हेलो बेटा, अब हम बैक्टीरियल सेल में नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करेंगे जिनका नाम है इंक्लूशन बॉडीज। देखो, जो ये बैक्टीरियल सेल होती है इसमें लिविंग के अलावा कुछ नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स भी रहते हैं जो कि इसके साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूमते रहते हैं। और नॉन लिविंग चीज़ें कौन होती है? फॉर एग्जाम्पल कोई कलर ग्रैन्यूल्स वगैरह हो गया ना, कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो अलग अलग कलर के डाई को क्या करते हैं, पिकअप करते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स हैं, वोलेटिन हो गए, फोस्फेट ग्रैन्यूल्स वगैरह हो गए। क्लियर? अब जब हम इन इंक्लूशन बॉडीज की बात करेंगे यानी कि नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो ये तीन होते हैं, गैस वैक्यूल, इनऑर्गेनिक इंक्लूशन और फूड रिजर्व। देखो, गैस वैक्यूल समझ में आ रहा है, वैक्यूल का मतलब एक स्पेस और जो किसको स्टोर करता है, गैस को, कि गैस को स्टोर करने वाले कुछ वैक्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो कि हमें साइनोबैक्टीरिया, जिसको कि हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया में, और इसके अलावा प्लैंकटोनिक, प्लैंकटोन माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं। क्लियर? अगर अब हम इन गैस वैक्यूल्स की बात करें, इनमें छोटे छोटे सिलेंड्रिकल शेप के क्या प्रेजेंट होती है, गैस वेसिकल्स वगैरह प्रेजेंट होती है। सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि क्या फंक्शन है इन गैस वैक्यूल का एक बैक्टीरियल सेल में। अगर हम इन वैक्यूल्स की बात करें बेटा, ये बैक्टीरिया को रेडिएशंस वगैरह से क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन कि उनको बायोन्सी वगैरह प्रोवाइड करती है। क्लियर? चलो, इनऑर्गेनिक इंक्लूशन, इनऑर्गेनिक इंक्लूशन का मतलब है कुछ ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट रहते, दाने से कुछ प्रेजेंट रहते, जैसे वोलेटिन, सल्फर, आयरन, मैग्नेटाइट। इनका मतलब समझे, सल्फर बैक्टीरिया, ठीक है, आयरन बैक्टीरिया कीमोटोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि जो कि सल्फर जिनके अंदर प्रेजेंट होता है। और क्योंकि ये अलग अलग कलर को क्या करते हैं, पिक करते हैं, ठीक है। एक वाइट दुपट्टा है, आप उसमें ऑरेंज कलर भी कर सकते हो, है ना, ब्लू कलर भी, कैसा भी कर सकते हो। तो सेम केस इन बैक्टीरिया का होता है कि बैक्टीरिया पर्टिकुलर डाई को क्या करते हैं, टेकअप करते हैं और फिर उसी कलर के हो जाते हैं। तो यही कारण है कि ये अलग अलग कलर के ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दीज आर नोन एज मेटाक्रोमेटिक ग्रैन्यूल। और जो सबसे कॉमन है वो कौन है, वोलेटिन और सल्फर ग्रैन्यूल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम वोलेटिन ग्रैन्यूल की बात करें, देखो, दीज आर पॉलीमेटाफोस्फेट, पॉलीमेटाफोस्फेट, फोस्फेट के बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं जो कि उसको स्टोर करने में हेल्प करते हैं। सल्फर ग्रैन्यूल्स क्या करेंगे, उन बैक्टीरिया को सल्फर रिच मीडियम, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा रीजन जहाँ पर सल्फर बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पर उनको जिंदा रखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। आयरन ग्रैन्यूल्स की अगर हम बात करेंगे तो जो आयरन ग्रैन्यूल्स रहते हैं वो भी बैक्टीरिया को एनर्जी वगैरह देते हैं। अब एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे रखा है जिसका नाम है एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटैक्टिकम। क्या नाम है? एक्वास्पाइरिलम मैग्नेटोटैक्टिकम, जिसके पास रहते हैं मैग्नेटोसोम्स। और अगर इन मैग्नेटोसोम्स की हम बात करें, दे रिजर्व द मैग्नेटाइट। एक तरह से आप लगा लो कि ये जितने भी ग्रैन्यूल्स होते हैं ये उन बैक्टीरिया को किस में हेल्प करते बेटा, कलर्स को पिक करने में। फूड रिजर्व, जैसे हमारा एनिमल्स का जो फूड रिजर्व होता है वो कौन है, ग्लाइकोजन, है ना। तो सिमिलर वे में जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है उसके पास होता है साइनोफाइशियन स्टार्च, जिसको कि हम अल्फा ग्रैन्यूल्स, बीटा ग्रैन्यूल्स और साइनोफाइसिन के नाम से जानते हैं। बैक्टीरिया समझे, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि साइनोबैक्टीरिया का फूड रिजर्व कौन है, अल्फा बीटा ग्रैन्यूल और साइनोफाइसिन, साइनोफाइशियन स्टार्च, लिपिड ग्लोब्यूल और प्रोटीन ग्रैन्यूल्स। बैक्टीरिया में अब स्टार्च नहीं होता, बैक्टीरिया एनिमल का करैक्टर शो करता है बेटा, कि जो एक बैक्टीरियल सेल होती है उसका फूड रिजर्व होता है ग्लाइकोजन। क्लियर? अब आते हैं बात फ्लैजिला की। जब हम बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजिला की बात करेंगे, दीज आर यूनिस्ट्रैंडेड स्ट्रैंड। जैसे कि एक पेड़ का जो मेन ट्रंक होता है उसकी कई सारी ब्रांचिंग निकल जाती है ना, तो सिमिलर वे में फ्लैजिला में स्ट्रैंड यानी कि एक सिंगल स्ट्रैंड होता है जो कि एक फाइबर के जैसा है। फॉर एग्जांपल हम ये कहेंगे कि सिर्फ वो एक फाइबर है, इसमें कोई सब पार्ट्स नहीं होते या इसका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता जैसा कि यूकैरियोट्स का होता है। अगर इस फ्लैजिला की हम बात करेंगे तो डायग्राम को ध्यान से देखना बेटा, ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
फ्लैजिला स्टार्ट होता है बेसल बॉडी से, फिर आपको जो ये डार्क कलर का दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं हुक, और जो बाहर निकला हुआ रहता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंट के नाम से जानते हैं ना। देखो जो बेसल बॉडी ये दिखाई दे रही है, बेसल बॉडी एक रोड के जैसी दिखाई दे रही है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेड हो रखी है। इसी बेसल बॉडी का ये वाला डायग्राम है, एक बार ध्यान से देखना कि जो ये बेसल बॉडी होती है इसके बेस पे ये रिंग की जैसी कुछ स्वेलिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती है। क्या बताया कि रिंग की जैसी कुछ ये स्वेलिंग्स वगैरह प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और जो ये रिंग्स होती हैं बेटा ये दो टाइप की होती है, एल और पी रिंग, एस और एम। ठीक है, एल और जो पी रिंग होती है वो सेवल वॉल में होती है, एस और जो एम होती है, देखो इनके नाम लिख रखे हैं आपको बुक में भी क्लियरली शो हो जाएंगे, एल रिंग है, आर है, रोड है, एस और एम, इनको अलग अलग नाम मिल गया, मतलब है सारी रिंग्स लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रिंग है उनको दो नाम दे दिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले को क्या नाम दे दिया, एस और एम। फिर थोड़ा सा ऊपर जब सेल वॉल में भी जो इसकी रिंग्स प्रेजेंट थी उनको क्या नाम मिला बेटा, एल और पी रिंग नाम मिला। ठीक है, ये बात होती है ग्राम नेगेटिव की, लेकिन अगर हम बात करें ग्राम पॉजिटिव की उसमें ये नहीं है एल एम एस, नहीं, सिर्फ एस और एम ही रिंग्स रहती हैं जो कि प्रेजेंट है, यानी कि ग्राम नेगेटिव में चार रिंग्स हैं, उसके सेल वॉल में है एल और पी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में है एस और एम, लेकिन ग्राम पॉजिटिव में ओनली एस और एम ही रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। क्लियर, चलो अब इसके ये दूसरे स्ट्रक्चर पे आ जाओ कि बेसल बॉडी से कोन अराइज होता है जिसको कि हम नाम देते हैं हुक। हुक एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और याद रखना हुक इज द थीकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, ये एक फ्लैजिला का थीकेस्ट पार्ट होता है। नेक्स्ट आ जाओ इस फिलामेंट पे, जो ये फिलामेंट होती है बेटा ये एक प्रोटीन की बनी हुई रहती है जिसको कि हम नाम देते हैं फ्लैजिलिन, और जो ये फ्लैजिलिन प्रोटीन होती है इसी की वजह से ये लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो देखो हमने इसको यूनिस्ट्रैंड क्यों बोला, कि जो ये प्रोकैरियोट के फ्लैजिला होते हैं इसमें सिर्फ सिंगल स्ट्रैंड है, लेकिन जो हमारे फ्लैजिला होता है उसमें कितने स्ट्रैंड होते हैं बेटा, 11 स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए हमने इसके लिए क्या टर्म यूज की, स्ट्रैंडेड। क्लियर, अब इस बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर के अंदर और भी आते हैं जिनको कि हम बोलते हैं पिलाई और फिम्ब्री। ठीक है, कई साइंटिस्ट इनको क्या करते हैं, इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जैसे हमारे हाथ पैर, ठीक है, हाथ और पैर, उनको हम क्या नाम देते हैं, लिम्स के नाम से जानते हैं, है ना। अब क्या कहता है बेटा कि एक्चुअल अपेंडेजेज, अपेंडेजेज होते एक तरह से हाथ पैर ही, लेकिन ये लोकोमोशन में हेल्प नहीं करते। पिलाई और फिम्ब्री में क्या फ़र्क है, पिलाई की अगर हम बात करेंगे लंबी होती हैं, नंबर इनका कम होता है और थिक होती है, ठीक है, जो कि बनती है एज ए रेस्पॉन्स ऑफ फर्टिलिटी फैक्टर। फर्टिलिटी फैक्टर का मतलब है जब रिप्रोडक्शन वगैरह की बात आती है, और कौन सी प्रोटीन की बनी हुई रहती है, पिलीन प्रोटीन की। लेकिन जो फिम्ब्री होती है बेटा ये नंबर में बहुत ज़्यादा होती है, लगभग एक सेल में 300 से 400 होती है, और जबकि ये कितनी होती है, सिर्फ एक से चार ही होती है। इनका मेन काम होता है, देखो ये है मान लो दो बैक्टीरिया, उनको आपस में इस तरह अटैच करवाने में क्या करते हैं ये लोग, हेल्प करते हैं कि दो बैक्टीरिया जब जुड़ेंगे, ठीक है, तो उसमें कौन हेल्प करती है, ये पिलाई और फिम्ब्री। अब हमने इसके अंदर एक बात की थी कि कुछ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया रहते हैं उनमें कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल रिंग्स रहती हैं डीएनए की, जिनको कि हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मिड्स के नाम से जानते हैं ना। प्लाज्मिड बेटा उनके न्यूक्लोइड बॉडी के अलावा डीएनए की ही कुछ रिंग्स रहती हैं जो कि क्या करती हैं, उनमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर इन प्लाज्मिड की बात करें, इनको डिस्कवर करने का क्रेडिट जाता है दो साइंटिस्ट, हैयस एंड लेडरबर्ग, और देखो दे कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंट ऑफ द न्यूक्लियोइड, इसका मतलब है कि वो अपनी कॉपी खुद बनाती है, उनको अपनी कॉपी बनाने के लिए डीएनए की ज़रूरत नहीं है। और टेम्परेरी जब कभी भी ये प्लाज्मिड्स डीएनए के साथ जुड़ती हैं, दिस वन इज नोन एज द एपिसोम्स।
क्लियर। अब इन प्लाज्मिड की खासियत है कि ये एक से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ये जो प्लाज्मिड होती है बेटा, ये इनफैक्ट प्लांट सेल के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाती है, और यही कारण है कि इन प्लाज्मिड को आज के टाइम पे जेनेटिक इंजीनियरिंग में एज वेक्टर यूज कर रहे हैं। वेक्टर का मतलब जैसे हमारे जो मलेरिया होता है एनोफिलीज की वजह से होता है, लेकिन उसका वेक्टर कौन है? मच्छर, है ना। तो जीन्स डाले जाते हैं इस प्लाज्मिड में और फिर उसको क्या कर दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसलिए हम इनको क्या नाम देते हैं, ट्रांसफ़र प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं, जो कि तीन टाइप के हैं, एफ, आर और कोल प्लाज्मिड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे एफ प्लाज्मिड की। ये वो प्लाज्मिड होती हैं जो कि फर्टिलिटी, एफ का मतलब होता है फर्टिलिटी, यानी कि जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। कैसे बेटा? कि वो बैक्टीरिया जिसमें एफ प्लाज्मिड रहेगा उसको तो बोलेंगे मेल, और जिसमें नहीं है उसको बोलेंगे फीमेल। अब सेक्स पिलाई बनेंगी, यानी कि ये बैक्टीरिया है, इसमें ये सेक्स पिलाई इस तरह डेवलप हो गई और वो दूसरे बैक्टीरिया से जाके क्या कर जाता है, अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से एफ प्लस यानी कि जो मेल के फैक्टर्स है वो किसके पास ट्रांसफ़र हो जाते हैं, फीमेल। आर, हम कहते हैं कि हम जब एक ही टाइप की मेडिसिन लेते रहते हैं तो क्या रहती है, असर नहीं करती। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल डिजीज़ को पता, उस बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि ये चीज़ तुझे ख़त्म करने के लिए आ रही है, यानी कि वो बैक्टीरिया जिनके पास पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए रेजिस्टेंस जीन्स होते हैं। एंटीबायोटिक्स के नाम सुन रखे ना, क्लोरोएम्फेनिकोल है, टेट्रासाइक्लिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, सल्फेनामाइड वगैरह है। और वो बैक्टीरिया जिनके पास बेटा ये आर प्लाज्मिड रहेगी, उस बैक्टीरियल डिजीज़ को क्योर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोल, दैट मीन्स कोलसिनोजेनिक। बेटा कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी रहते हैं जिनकी जो प्लाज्मिड है वो एक टॉक्सिन, एक जहर को बनाती है, और अगर उस जहर को ही हम बात करें उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोसिन या फिर कोलिसिन, विच आर लिथल टू अदर एंटेरो बैक्टीरिया, यानी कि जो कि दूसरे बैक्टीरिया के लिए काफ़ी हार्मफुल होती हैं, ठीक है। और जो एक कोल प्लाज्मिड्स रहती हैं ये भी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या करती है, ट्रांसफ़र करती है। ये प्लाज्मिड का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हमें प्लाज्मिड के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि इसी प्लाज्मिड से रिलेटेड अब हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि जो ये मोनेरॉन्स रहते हैं इनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या क्या मेथड्स हैं कि जिसकी हेल्प से ये लोग अपने आप को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं।